सभी भक्तों को जय माता की, ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर माता काली आपसे प्रसन्न है या अगर माता काली आपके साथ चल रही हैं तो इसके क्या क्या लक्षण आपको प्राप्त होते हैं। अगर आप काली माता के भक्त हैं, अगर आप काली माता के लिए जो है उनको प्रसन्न करने के लिए कोई मंत्र जाप कर रहे हैं या अगर आप कोई सिद्धि कर रहे हैं तो आपको कैसे अनुभव होगा कि आपकी जो सिद्धि है वो पूर्ण होने वाली है या काली माता की जो शक्ति है वो लगातार आपके साथ चलना शुरू हो गई है। ऐसे कौन कौन से वो लक्षण होते हैं जो सिद्धि के बाद मनुष्य को दिखाई देने लगते हैं या अनुभव होने लगते हैं, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो एपिसोड आपने पूरा देखना है ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो सके। तो चलिए माता काली को नमस्कार करते हुए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। जय काली माता। मेरे प्यारे बंधुजनों, पिछले काफी दिनों से हमारे पास बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आ रहे थे कि शास्त्री जी, अगर हम किसी की सिद्धि कर रहे हैं, चाहे वह माँ काली की हो, चाहे माँ दुर्गा की हो, चाहे किसी भी रूप में अगर हम आदि शक्ति की सिद्धि कर रहे हैं, उनके जाप कर रहे हैं, तो हमें कैसे पता चलता है कि हमारी जो सिद्धि है वो पूर्णत्व की ओर अग्रसर हो चुकी है, या अगर हमें कैसे अनुभव हो कि माता जो काली है उसकी साक्षात शक्ति हमारे साथ चल रही है। तो अब मैं आपको बता रहा हूं वो लक्षण जो अगर आपके साथ होते हैं तो आप समझ लेना कि काली माता की जो शक्ति है वो आपके साथ चलना शुरू हो गई है। अगर आपको सपने में माता काली दिखाई दे, जी हाँ, साक्षात अगर आपको सपने में काली माता के दर्शन हो तो आप समझ जाना कि काली माता का जो आशीर्वाद है वो पूर्ण रूप से आपके ऊपर होना शुरू हो गया है। आप जो सिद्धि कर रहे हैं वो सिद्धि भी आपकी जो है वो पूर्णत्व की ओर अग्रसर हो रही है। इसके अलावा अगर आपको सपने में जो किसी ऐसी औरत के दर्शन हो जिसका वर्ण काला है, श्याम वर्ण की हो, जिसका पूरा जो शरीर है वो काला है, उसका मुख भी काला है, भुजाएं भी काली हैं, अगर ऐसी किसी औरत के जो दर्शन है आपको सपने में होते हैं तो ये भी इशारा करता है कि कहीं ना कहीं काली माता का ही ये स्वरूप है। इसका मतलब है काली माता आपसे बेहद प्रसन्न है और उनका पूरा आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है। प्यारे बंधुजनों, इसके अलावा अगर आपको अपने घर पर या किसी भी तरह से शाम के टाइम या किसी भी टाइम अगर आपको कभी ऐसा लगे कि कोई परछाई लगातार आपका पीछा कर रही है या अगर आपको कई बार परछाई दिखाई पड़े तो ये भी आप समझ जाना कि कहीं ना कहीं जो सिद्धि आप कर रहे हैं वो सिद्धि आपकी पूर्ण होने वाली है। माता काली का आशीर्वाद आपके ऊपर बहुत जल्दी होने वाला है। इसके अलावा अगर आपके शरीर में कई बार अलग अलग स्थितियों में कंपन होने लगे या शरीर में आपके थोड़ा आपको जो है झिलमिलाहट महसूस हो या आपको लगे कि एकदम से आपको जो है बहुत ज्यादा आपको या तो वाइब्रेशंस आ रही हैं, तो ये भी इशारा करती हैं कि जो चीज आप कर रहे हैं, जो सिद्धि आप कर रहे हैं, जो जाप आप कर रहे हैं, उसका पूर्ण फल आपको अभी प्राप्त होने वाला है। जो शक्ति के प्रसन्न करने के लिए आप जाप कर रहे हैं वो जाप आपका बिल्कुल सही और लगभग पूर्ण होने वाला है। इसके अलावा अगर आपके मन में कुछ ऐसे विचार आने लगे, आपको आपके अंदर सवारी आने का मन आपको करे, आपको खेलने का मन करे, तो ये भी ये लक्षण बताते हैं कि बहुत जल्द काली माता की जो सिद्धि आप कर रहे हैं वो आपकी पूर्ण होने वाली है और माता काली का शुभ अशुभ आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है। इसके अलावा अगर आपको जो है अगर काला रंग बार बार दिखाई पड़े, बार बार आपको लगातार काले रंग के दर्शन हो, सपने में तो हो ही हो, साथ में अगर साक्षात आपको चलते फिरते हुए भी जो चीजें ऐसी बार बार दिखाई देने लगे जिनका रंग काला है, तो ये चीजें भी स्पष्ट करती है कि माता काली आपसे प्रसन्न है और आपका जो जाप है वो पूर्ण होने वाला है। तो आशा करता हूं आप सभी भक्तों को आज की यह जानकारी बेहद पसंद आएगी। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्त हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय माता की, जय श्री राम।